पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये फी लीटर और डीजल 6 रुपये 37 पैसे महंगा होने पर आवाम बिलबिला उठी। शहरी हुकूमत के खिलाफ फट पड़े। डीजल की कीमतें बढ़ने पर किसान बी सी अखबार। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। महंगाई में भी इजाफा होगा, गाड़ियाँ चलानी मुश्किल हो जाएंगी। हमारा वजीर खजाना कहता था पहले 40 रुपये लीटर पेट्रोल मिलेगा और अब देखो कितना पेट्रोल कर दिया, क्या यही तब्दीली है? इस वक्त 114 रुपये डीजल की कीमत हो गया है, जो कि फार्मर की बस में नहीं है। ये बहुत बड़ा जुल्म है। तो हमारी ये सदा है हमारे वजीर आला से और हुकूमत से कि इसका कीमत कम की जाए या इसको सब्सिडी दी जाए। मुल्तान समेत सुबह भर में होम डिपार्टमेंट की जानिब से दफा 144 का नफाज। 5 या 5 से ज्यादा अफराद के इकट्ठे होने पर पाबंदी। महकमा दाखिला का 10 नवम्बर तक पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद करवाने का हुक्म। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में आज प्राइवेट स्कूल्स और कॉलेजेस बंद, जबकि तालीमी बोर्ड के तहत इंटरमीडिएट के आज होने वाले इम्तिहानात मनसूख। कंट्रोलर बोर्ड के मुताबिक नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। रहीमा खान सिटी पुल तार रेलवे चौक शाही रोड ट्रैफिक के लिए बंद। शाही रोड सादिक बाजार जामिया कादरी रोड की मुतादिद मार्केटें बंद। सड़कें बंद होने से गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। उधर मुजफ्फरगढ़ सरवर शहीद चौक पर तमाम मार्केटें जबरदस्ती बंद करा दी गईं। मुजफ्फरगढ़ शहर में आने वाले ट्रैफिक के लिए रोड ब्लॉक कर दिया गया। मियांवाली रोड, मुल्तान रोड, कराची रोड हर तरह के ट्रैफिक के लिए बंद, जबकि मुल्तान से लाहौर जाने वाली मोटरवे तमाम ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। बहावलपुर जिले भर में निजी और सरकारी तालीमी इदारे बंद। अंजुमन ताजरान की कॉल पर जिले भर में शटर डाउन हड़ताल। कबीरवाला में मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल। कारोबारी मराकज बंद। तहसील भर के निजी तालीमी इदारे भी बंद। कुंदिया में अंजुमन ताजरान की जानिब से शटर डाउन हड़ताल। शहर की तमाम छोटी बड़ी मार्केटें बंद। मुल्तान में नए तैनात होने वाले रीजनल पुलिस ऑफिसर वसीम अहमद खान की आमद। पुलिस की जानिब से सलामी पेश। सीपीओ मुनीर मसूद मार्च भी मौका पर मौजूद। नए रीजनल पुलिस ऑफिसर बहावलपुर इमरान महमूद की दफ्तर आमद। पुलिस के चाको चौबन दस्ते की जानिब से सलामी पेश। दफ्तरी अमले से मुलाकात। आरपी बहावलपुर में जराइम के खात्मे और अमन के क्याम के लिए फराज। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर रहीमिया खान, डॉक्टर गजनफर शफीक ने दोबारा चार्ज संभाल लिया। दोस्त अहबाब की जानिब से मुबारकबाद। असिस्टेंट कमिश्नर मियांवाली मोहम्मद शुआब ने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। रोहित से खसूसी गुफ्तगू में कहा तजावजात के खात्मे के लिए सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तालीम के लिए ऑफिस के दरवाजे हर वक्त खुले हैं। जनूबी पंजाब समेत सूबे भर के असिस्टेंट कमिश्नर्स के तबादले। तहसील जजमान में तैनात असिस्टेंट कमिश्नर जोहरा दस्तगीर, असिस्टेंट कमिश्नर बहावलनगर तबरेज सादिक मरी को लाहौर रिपोर्ट करने के अहकाम जारी। असिस्टेंट कमिश्नर जितोई मुजफ्फरगढ़ अब्दुल गफ्फार को असिस्टेंट कमिश्नर कोर्ट छुट्टा तैनात कर दिया गया। वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार की डीजी खाना आमद मुतवक्के। कॉरपोरेशन के अमले की दौड़ें तमाम रोड्स क्लियर करवाने में मसरूफ। रास्तों से कचरा और रेड़ियां हटाने का काम शुरू। इमरान सिकंदर बलोच को डीजीएमडी मुल्तान का इजाफी चार्ज सौंप दिया गया। इमरान सिकंदर बलोच कमिश्नर मुल्तान तैनात। बहावलपुर में दिल के मरीजों के लिए खुशखबरी। विक्टोरिया अस्पताल के कार्डिक सेंटर में ओपन हार्ट सर्जरी का आगाज। पहली ओपन हार्ट सर्जरी कामयाबी से मुकम्मल कर ली गई। मुल्तान मेट्रो बस करप्शन केस का मामला अदालत पेश न होने पर गिरफ्तार मुलजिमान का मजीद 14 रोजा जुडिशियल रिमांड बढ़ा दिया गया। मुलजिमान को 15 नवम्बर को कोर्ट में पेश किया जाएगा, जबकि 3 मुलजिमान मजीद 7 रोजा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले। मुल्तान डीएचक्यू अस्पताल के डेली वेजेस मुलाजमीन को फिर से नौकरी से बर्खास्त करने का हुक्म। डेली वेजेस मुलाजमीन का सीओ हेल्थ ऑफिस के बाहर एहतजाज।
जबकि टीएच को अस्पताल जहानिया से 19 डेली वेजेस मुलाजमीन फारिग, मुलाजमीन का मुस्तकिल करने के लिए एहतजाज। निजी खान मेमैक को डेली वेजेस मुलाजमीन का 6 माह से तनख्वाह न मिलने पर एहतजाजी मुजाहरा, ठेकेदार पर नौकरी से फारिग करने की धमकी का इल्जाम। मुल्तान तालीमी बोर्ड के चेयरमैन की सीट खाली, बोर्ड के इंतजामी अमूर मुतासिर, मुलाजमीन की तनख्वाहें ताखीर का शिकार, मुलाजमीन का कल तक तनख्वाहें अदा न होने पर एहतजाज का ऐलान। बहावलनगर में कॉटन जनरल्स एसोसिएशन का नए टैक्स लगाए जाने पर FBR ऑफिस के सामने एहतजाज, मोदारी ने टैक्स को जालिमाना करार देते हुए नामंजूर कर दिया। उनका कहना है कि जालिमाना टैक्स मुआशी कातिल के मुतरादिफ है। मुल्तान में बेटी भाइयों के साथी पर नवाजशात, गिरफ्तार ASI साबिर मुनीर को थाना बगदाद में हवालात की बजाय आरामदेह कमरा फ्राहम, मुलजिम को चारपाई, बिस्तर, मशरूबात और सहूलियात की हर चीज मुयसर। जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी गल्ला मंडी संगीन मसाइल से दोचार, सफाई का नाकिस निजाम, बुनियादी सहूलियात का भी फुकदान, जगह जगह तजावजात की भरमार, राहगीरों का गुजरना हुआ दुश्वार। उधर मियांवाली में मेन बाजार भी दुकानों के बाहर सामान और रेडियो की बहतात से राहगीर परेशान। मुल्तान महकमा सेहत के आला मियार का पोल खुल गया, कादिरपुर के इलाके लोठर में कायम हेल्थ सेंटर खंडर में तब्दील, सेंटर चारदीवारी से महरूम, सहूलियात का भी फुकदान, इलाका मकीनों को इलाज में दुश्वारी का सामना। बहावलपुर में सरकारी तनसीबान, जजेस हाउस, इकलौती बरादरी की बादगाहों, कॉन्वेंट स्कूल और अदालतों की सिक्योरिटी बढ़ाने की दरखास्त, असातिदारों की जानिब से डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर को दरखास्त इरसाल। पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस के रीजनल ऑफिस बहावलपुर में तकरीब करने का SSP पेट्रोलिंग गौर मुश्ताक भुट्टा का खिताब, बोले पेट्रोलिंग पुलिस के बायस आज शाहराएं महफूज हैं। डिप्टी कमिश्नर मियांवाली शोएब जुदोन की सरबराही में अम कम्युनिटी का इजलास, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मुमताज अहमद दियो समेत मजहबी जमातों के अहदेदारान और सरकारी अफसरान की शिरकत, अमन अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। डिप्टी कमिश्नर बहावलनगर SD खालिद और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अमारा तहर की मुलाकात, जिले में अमन अमान की सूरत हाल का जायजा लिया। मैपको सर्कल रहीमिया खान में वोल्टेज की कमी और ओवरलोडिंग का मसला हल, पैलेस शेख बॉन और मिंठार फीडर्स के अपग्रेडेशन का काम शुरू। मुल्तान में जानवरों की लड़ाई करवाने वाले हो जाएं होशियार, CPO का क्रैकडाउन का हुक्म, SHOs को मनाह का इरसाल, जानवरों की लड़ाई और जुआ करवाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के अहकाम। मुल्तान एंटी करप्शन की खानेवाल में कार्रवाई, जिला काउंसिल का सीनियर क्लर्क रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार, मुलजिम से 10,000 रुपए भी बरामद। भावलपुर पुलिस की कार चोर गैंग के खिलाफ कार्रवाई, बैनसूबाई चोर गैंग को गिरफ्तार करके चोरी शुदा कारें बरामद कर ली, मेयर अकीन अजम हाशमी ने पुलिस की कारकर्दगी को सराहा। मुल्तान के नवाही इलाके मौजा गुल मोहम्मद निराली वाला से 25 साल शख्स की लटकती लाश बरामद, पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी। बहावलपुर में डायरेक्टर लाइव स्टॉक चोलस्तान डॉक्टर अली रजा अब्बासी की 8 साल गिरा, दोस्त अहबाब की जानिब से नेक ख्वाहिशात के पैगाम। ब्लाइंड एसोसिएशन डीजी खान के अदर तमाम सफेद छड़ी के आलमदिन की मुनासबत से तकरीब का निकाह, नबीना अफ्ताद में सफरी कार्ड और सफेद छड़ियां तकसीम। रहीमिया खान शेख जैद मेडिकल कॉलेज में डेंगू, सीजनल इन्फ्लुएंजा और एड्स बारे आगाही सेमिनार मुनाकिद, बीमारियों से बचाव, तदारुक और एहतियाती तदाबीर के हवाले से आगाही फराहम। रहीमिया खान में फील्ड असिस्टेंट्स और एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर की 3 रोजा तरबेती वर्कशॉप का आगाज, डिप्टी डायरेक्टर इंस्टीट्यूट फिदा हुसैन बलोच की जानिब से कम्युनिकेशन बैरियर के हवाले से आगाही लेक्चर फराहम।
स्पोर्ट्स जिम्नेजियम मुल्तान में ऑल पाकिस्तान स्नूकर चैंपियनशिप, मुल्क भर से 24 टीमों की शिरकत, शायकीन की बड़ी तादाद मौजूद। और रहीमा खान में सोना डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप का पहला सेमीफाइनल जारी, कायद आजम क्रिकेट क्लब और अफजाल क्रिकेट क्लब मदे मुकाबिल। कायद आजम क्रिकेट क्लब की टीम 215 रन बनाकर आउट, अफजाल क्रिकेट क्लब की बैटिंग जारी।